हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सेल में डेटा को एक्सेस से और टेक्स्ट फाइल से इंसर्ट करना सीखेंगे। जिसके लिए सबसे पहले आप डेटा टैब पर जाएंगे, जहां पर आपको गेट एक्सटर्नल डेटा में ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम एक्सेस और फ्रॉम टेक्स्ट। सबसे पहले हम अपने डेटा को एक्सेस से इंपोर्ट करेंगे। एक्सेस से डेटा इंपोर्ट करने से पहले आपको एक्सेस की नॉलेज होनी चाहिए। अब हमने यहाँ पर जो है एक्सेस में डेटा क्रिएट किया हुआ है पहले से ही, अब हम उसको जो है एक्सेल में इंपोर्ट करेंगे। जिसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रॉम एक्सेस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही सेलेक्ट डेटा सोर्स का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसके बाद फिर आप यहाँ से अपनी एक्सेस वाली फाइल को सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ पर एम्प्लॉयज वाली फाइल को सेलेक्ट करते हैं, देन ओपन करेंगे। ओपन करते ही इम्पोर्ट डेटा की विंडो आपके सामने आएगी, जहां पर ये आपसे पूछेगा कि आप उस डेटा को अपने इस वर्कशीट में कहाँ पर इम्पोर्ट करना चाहते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको D7 दिखा रहा है, क्योंकि इस टाइम जो है D7 वाला सेल सेलेक्ट है। अगर आप इस रेंज को चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको रिमूव करके किसी दूसरे और सेल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने जो है यहाँ पर A1 वाले सेल को सेलेक्ट किया, ताकि वो एक्सेस के डेटा को A1 वाले सेल में इम्पोर्ट करे। उसके बाद हम यहाँ से ओके पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखेंगे जो डेटा हमने एक्सेस में क्रिएट किया था वो अब एक्सेल में इम्पोर्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। अगर आप अपनी एक्सेस की फाइल में कोई चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस यहाँ पर भी अपडेट हो जाएंगे, जैसे ही आप एक्सटर्नल टेबल डेटा ग्रुप में जाएंगे और वहां से रिफ्रेश करेंगे। अब सपोज हम अपनी एक्सेस वाली फाइल में चेंजेस करते हैं। अब हमने यहाँ पर जो है एक्सेस की विंडो को ओपन किया है। जब आप अपनी एक्सेस की विंडो को ओपन करेंगे, तब आप अपनी एक्सेल की फाइल को जहां पर आपने एक्सेस का डेटा इंपोर्ट किया है उसे क्लोज करेंगे, तो ही आप जो है अपनी एक्सेस की फाइल में चेंजेस कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ पर जो है एक फील्ड यहाँ पर और ऐड करते हैं, यहाँ पर भी हम दे देते हैं BMS एजुकेशन। इसी तरह से यहाँ पर नेम एंटर कर देते हैं, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम। अब हमने यहाँ पर जो है एक एंट्री और की है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कंट्रोल एस करेंगे ताकि ये डेटा यहाँ पर सेव हो जाए। सेव करने के बाद हम इसको क्लोज करके फिर से अपनी एक्सेल वाली फाइल को ओपन करेंगे। एक्सेल की विंडो को ओपन करने के बाद आप फिर से डेटा टैब पर जाएंगे और वहां से कनेक्शंस ग्रुप में जाकर आप रिफ्रेश ऑल करेंगे।